गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। हम लोग आ गए हैं दिल्ली और मेरे दोनों बच्चे भी घर आ गए हैं। घर आते ही ये लोग ऐसे दौड़े हैं अपने घर को देखने के लिए, जैसे पता नहीं इनका क्या बिछड़ा हुआ कुछ पीछे रह गया था। और खुश हैं दोनों अपने घर आके, यही अच्छा लगता है इनको। कहीं भी लेके चले जाओ, मज़े इनको इसी घर में आते हैं, है ना। पूछ भी नहीं रहे देखो मुझे यहाँ आके। ये देखो कौन है तू बोल रहे, मुझे मुंह फेर लिया दोनों ने। एक तो गया, अभी सो के उठे और इस वाले रूम में आई हूँ, तब तक देखा है कि सारे पर्दे इन दोनों बच्चों ने नीचे गिरा रखे हैं। उसने तो नहीं किए होंगे पक्का से। ये देखो भोली सी सूरत बना रहा है ना, मुंह क्या फेर रहा है। इधर देख, ए शमशेरा इधर, मुझे पता है तू नहीं किया है ये। हाँ तू नहीं, ठीक है ना, भोली सी सूरत तो मत बनाओ तुम। देख कैसे मुंह फेरता है बदतमीज लड़का। भाई इस पार्क में आके ये लोग तो बिल्कुल पागल हो जाते हैं, जैसे पकड़ नहीं पाई हूँ। मतलब दोनों को लाना इतना मुश्किल हो गया था, इतने बदतमीज हो गए हैं। अपने पार्क में आके खुश, ये देखो ये अलग खुश है। डॉग के पीछे भाग रहा था उधर, डॉग है। यहीं आके खुश होते हैं ये साले, और कहीं इनको मन ही नहीं लगता, अच्छा ही लगता है इनको। अपने ही पार्क में आके खुश होते हैं, है ना सम्राट छमटी हमटी। उसका आज पॉटी खत्म नहीं हो रहा, पता नहीं कितना इकट्ठा करा हुआ है, कितने दिनों की पानी इकट्ठी करी है भाई तूने। बहुत मुश्किल है भाई दोनों को एक साथ पार्क में, अभी ये जब बड़ा होगा ना और दिक्कत होगी। एक साथ पार्क में लाना बहुत मुश्किल हो रहा है इनको, उलझ जाते हैं, लटक जाते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, और उसके साथ में ब्लॉक करना बड़ा मुश्किल हो रहा है आजकल मुझे। पहले तो इसको गोदी में लेके आती थी, लेकिन अभी गोदी में इसलिए चलना बंद कर दिया, तो इसके लिए लीज लेनी पड़ी कि चलो बांध के लेके आऊँगी। गोदी से कुद्दी मारता है नीचे, आना ही नहीं होता इसको। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। मेरे दोनों बच्चे उठ गए हैं और उठते ही दोनों ने झगड़ा शुरू कर दिया है। झगड़ा हो रहा है एक मूली के लिए, क्योंकि एक मूली यहाँ पे कल की पड़ी हुई थी जो इन्होंने आधी खाई थी, और अभी उन दोनों को वो मूली फिर से मिल गई है, जिसके लिए दोनों भी झगड़ा कर रहे हैं। क्योंकि मेरी सुबह की शुरुआत रोज झगड़े से ही होती है, तो अब मुझे ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं, मुझे आदत हो गई है इन दोनों के झगड़े की। और इस छुटंकू को देखो, उसके मुंह से छीनने जा रहा है। और शमशेरा भी इतना बदमाश है, वो अपनी मनमर्जी से खाता है, कभी उसका मन होगा तो छोड़ देता है, नहीं खाता। और जब छोटा खा रहा होता है तो वो जाकर उससे छीन के खुद खाने की कोशिश करता है। जैसे अभी क्योंकि सम्राट खा रहा था उस मूली को, शमशेरा ने देखा कि सम्राट खा रहा है मूली, तो मैं छीन लेता हूँ उससे, छीन के उसने खा लिया। इतना बदमाश है ये। सुबह सुबह मैं लगी हूँ घर के कुछ काम करने में, और इन दोनों को देखो झगड़ा करने से फुर्सत नहीं है भाई। मतलब वो घुस गया नीचे, इतना बदमाश है ये। देखो फिर आया। हाँ कर लो कर लो, ठीक है, मैं तो कुछ बोलती नहीं हूँ ऐसे। शमशेरा आराम से बैठा हुआ था, इसके सर पे चढ़ के इसको काट रहा था। अब शमशेरा शमशेरा शुरू हो गया। अब गाँव से आने के बाद इतने गंदे हो रहे थे दोनों, आज दोनों को नहलाया है, ठंड भी लग गई है। वैसे मैंने ड्रायर से सुखा दिया था, इसको भी नहलाया, और अब भी 2-3 घंटे ये सोया रहा बिस्तर के अंदर। अब निकला बाहर तो निकलते ही इसका झगड़ा हो गया है शुरू। इतने गंदे हो रहे थे, मिट्टी में लथपथ होके आए थे घर से ये दोनों के दोनों। भाई छोड़ दे इसको, इसी के साथ खेलना होता तुझे, बस इसने मेरे हाथ में ये देखा नहीं कि यही चाहिए, यही चाहिए और कुछ नहीं, या लकड़ियाँ खानी है या इसके साथ खेलना है। छोड़ दे भाई, भाई छोड़, हकुपुको छोड़ दे, छोड़ दे हकुपुको। लेके आओ इधर बॉल, लेके आओ जल्दी से। कौन पहले, कौन पहले, मम्मा के पाची, मम्मा पाची कौन पहले। छमाट आया पहले, समझेलू बाद में आया। अभी हम लोग गाँव गए थे, वहाँ के जो बच्चे आए थे इसे बर्फीला बोल रहे थे, क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल सफेद है, इसको बोल रहे थे बर्फीला है ये। ए बर्फीले, ओए बर्फीले, ए बर्फीले इधर देख। सम्राट इतना बदमाश है, इसको मैंने खाना दिया है इधर, अब मैंने इन दोनों को खाना अलग अलग देना शुरू कर दिया है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा था कि मुझे सारे लोग बोलने लगे थे कि शमशेरा कमज़ोर हो गया, शमशेरा कमज़ोर हो गया। मेरी मम्मी ने देखा, वो भी बोली,
और मतलब मेरे जितने भी आसपास लोग रहते सबने देखा कि वो कमज़ोर हो गया। मैंने भी ध्यान से देखा तो मुझे लगा सच में यार वो कमज़ोर हो गया है। फिर पता चला कि जब भी सम्राट खाना खा रहा होता है, शमशेर अपना खाना छोड़ देता है कि ये खा सके अच्छे से, और वो अपना खाना इसके लिए छोड़ देता था, जिसकी वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गया था। अभी मैंने इन दोनों को खाना अलग देना शुरू किया, लेकिन ये दोनों ना एक दूसरे के बिना खाते नहीं है। देखो उसके बर्तन पे वहाँ पे खाना पड़ा हुआ है और वो खा नहीं रहा है, यहाँ पे खड़ा है, और इसके बर्तन में यहाँ खाना पड़ा है और ये उसके साथ। लेकिन मैं इन दोनों का कोशिश कर रही हूँ कि ये दोनों अलग अलग ही खाना खाएं, साथ में इन लोगों का नहीं हो सकता। मैं आ रही बेटा बाहर में खिला देती हूँ। दोनों बच्चों ने खाना खा लिया है। खाना खा के आज मुझे थोड़ा सा फीवर हो गया है, तो मैंने इनको जल्दी से सोच रही हूँ जल्दी से खाना खिला के ये लोग जल्दी सो जाएं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे सम्राट आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब तो आ जाओ, फिर मना कौन कर रहा है। चिल्लाता है भाई, इतना चिल्लाता है ये लड़का कि पूछो नहीं। और खाना खाने के बाद अभी इन दोनों की चल रही है मस्ती। अभी ये देखो झगड़े, ये झगड़े करे बिना सो तो सकते नहीं है ये लोग। मैं अगर जल्दी सोना भी चाहूँ तो ये लोग सोने कहाँ देंगे। फीवर हो गया बहुत तेज़, तो सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और वैसे भी अभी पिछले कुछ 2-3 दिनों से जब से मम्मी के यहाँ गई हूँ ब्लॉग भी नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे मम्मी के पास इतने टाइम बाद मिली थी तो मम्मी के पास ज़्यादा टाइम बिताना चाह रही थी, इसलिए ब्लॉग कम कर पाई थी। यहाँ आने के बाद थोड़े से काम बढ़ गए थे तो उसमें लगी हुई थी, इसलिए 2 दिन के ब्लॉग एक साथ मैं डाल रही हूँ। और कोशिश करूँगी कल से कि डेली के व्लॉग्स बनाऊँ। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग हमारे व्लॉग्स ऐसे ही देखते रहना, हमारे से ही प्यार देते रहना, और ये दोनों की मस्तियाँ देखते रहना।